हेलो गाइस, दिस इज़ विनीत गुंजाल। तो आज हम जा रहे हैं गांव। काफ़ी टाइम से गांव जाते करके हो ही नहीं पा रहा था। दोस्त लोग इधर उधर पार्टी वार्टी कर रहे थे, हम भी पार्टी कर रहे थे। फाइनली अब गांव जा रहे हैं। सेटअप वेटअप हो गया आज बाइक में, देखते क्या होता है। अब हम चले गुंजी की ओर, दासला टू गुंजी। मेरे को पता नहीं है आवाज़ कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। आज फर्स्ट बार माउंट लगाया कैमरे में, कैमरा के लिए अब मोबाइल में शूट कर रहा हूँ मैं। रोड की स्थिति देखिए आप कैसा है। यहाँ पे रोड बंद हो, यहाँ पे चौरीकरण हो रहा है रोड। हेलो कमल भैया, बढ़िया। गांव चलते अब, मिलते। तो भाई लोग, आप लोग जब भी आओगे यहाँ, गाड़ी वालों को बिल्कुल ही पास मत देना बाइक से, क्योंकि इन लोग बहुत धूल खिलाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आराम से नहीं चलाते, कुत्ते की तरह भगाते। वो कार वाले को देख रहे हो उधर, वो ये आ गया हमारा वाटर क्रॉसिंग। तो गाइस, हम तवाघाट पहुंचने वाले हैं। तवाघाट से हमारा लाइन स्टार्ट हो जाता है, प्यास लाइन। यहाँ पे आदि कैलाश है, और तवाघाट से आप इस साइड ऊपर साइड कटोगे तो पंचाचुली बेस कैंप आता है, पंचाचुली नारायण आश्रम। इस लाइन से आता है, यहाँ से आप सीधे जाओगे तो ये है आपका पंचाचुली बेस कैंप। साउंड क्वालिटी बहुत ही बेकार आ रहा है, पता नहीं। मेरा फर्स्ट मोटो ब्लॉग है तो मुझे सेटअप वेटअप करना इतना अच्छे ढंग से आ नहीं रहा है। माइक काम कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है मुझे। तो अभी तो फर्स्ट मोटो ब्लॉग है भाई लोग, देख लो, थोड़ा झेल लो। भाई लोगों, घर बाजार पहुँचने वाला है। घर बाजार पहुँचते रोड कच्चा रोड, पहले तो यहीं तक ही रोड था, अब यहाँ से आगे पूरा बन गया है। तो हमारे यहाँ अभी जब हम पैदल चलते थे तब काफ़ी छोटे छोटे पड़ाव आते थे, तो एक एक पड़ाव था उनमें से हमारा मालिपा। के बाद हमारा काफ़ी लंबा पैदल ट्रैक था छंकंडे, काफ़ी लंबा था पैदल ट्रैक। अभी हम छंकंडे पहुँचने वाले हैं, जो यहाँ का फेमस झरना है पेल सिटी, वो अभी थोड़ा सूख रहा है, बरसात के टाइम ही आएगा अब। है हमारा छंकंडे।
से हम यहाँ से निकल ले। इसका सेल्फ नहीं पकड़ ले, सेल्फ पता नहीं क्या हो गया। तो यहाँ पे है अपना वाटरफॉल, मुझे पहुँचने वाले कुछ देर में। रोड तो थोड़ा अभी तो थोड़ा ख़राब था, बहुत ही धूल धक्कड़ है बारिश वारिश नहीं आके। बुद्धि का ब्रिज, ये पुराना ब्रिज पहले ही वाला नहीं था, तो बाइक मैंने वहाँ से लिया था उठा के। मुन्नू दादा हेलो, लमाची कहाँ नीचे? आते कल मिलने कुछ से। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, ये है हमारे राइडर गांव की ओर, देखते ठीक है ठीक है। पूजा हो गया मुनि? तो ये है बुद्धि का नज़ारा, काफ़ी अच्छा। ये बुद्धि का दुकान साइड है, गांव साइड थोड़ा दूर है। छोटे भाई बढ़िया, अपने आवाज़ छोटे भाई मिल गया बुद्धि में। और क्या हो रहा है सीन शॉट? कुछ नहीं यार, भी नहीं था क्या। ठीक चल रहा सब? अभी तो सेल्फ में स्टार्ट किया, तो मिलते फिर। अभी तो सेल्फ में स्टार्ट हो गया, लगता है बैटरी डाउन हो गया था। आगे दासल में मैंने चाबी खुला ही छोड़ के कहीं चले गया था, चाबी ढूंढ रहा था लेकिन चाबी उसी में ही रहा। ये है दासल बुद्धि का ग्रिप कैंप। यह है बुद्धि गांव, मेन गांव इधर है। और जहाँ पे अभी दिख रहा था वो तो मार्केट एरिया है बुद्धि का। होम स्टे वगैरह भी है बुद्धि में, बुद्धि से स्टार्ट हो जाता है होम स्टे। तो गाइस चढ़ाई में चढ़ चुके हम, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये देखिए सीन, देखिए लाजवाब सीन, चालक चढ़ाई में और डामर के साथ। थोड़ा यहाँ थोड़ा ख़राब है और डामर ही डामर लगा है। वेलकम टू आदि कैलाश ट्रैक ब्यास बेरी। अरे हमारे भाई लोग यार, आशीर्वाद बढ़िया यूट्यूबर यार, यूट्यूबर यार गजब।
अब भी यही हो क्या? बना बना के जा रहा था ना पत्थर, बीच बीच में छोटा छोटा आना क्यों नहीं आया? तुम ही तो आ रहे हो, अच्छा रहा नजारा यार। लोगों को सब्सक्राइब कर दो सभी मिलके, एक महीने में 2 लाख फॉलोवर्स होने चाहिए, मजा आ जाएगा। देखता हूँ अब थोड़ा वही हूँ, यात्री सीजन स्टार्ट होता है, देखूंगा क्या होता है। सूरज लोग कहे हैं घर में, उनका तो नाइट ड्यूटी है कैसे ना। चलो यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो भाई लोग मिले थे अभी, उसने भैया मेरा ही जाड़ा हो गया, गिर गया था मैं। दो तीन जगह तो गिरने से बच गया आज। रास्ता देखिए बहुत ही खतरनाक, ये गाड़ी सदियों से खराब हो गई पर ये है। मिट्टी देखिए मिट्टी, कार आर भी पहुंच चुकी है यार। रास्ता तो अच्छा ही है लेकिन हवाएं बहुत चलती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। रास्ता तो बाकी क्लियर ही है। तो गाइस ये है गर्भ्यम, ये जो यहीं से दिख जाता है। तो हमने अभी एंट्री विंट्री करा लिया, एंट्री में 46 में मेन है आपका पास तो होना ही चाहिए। एक हमारे अभी धर्मा घाटी के भाई थे जो दारचूला तहसील में रहते, लेकिन उनका आधार कार्ड आगे आगे का था, पीछे का एड्रेस नहीं था, तो उनको वापस भेज दिया दोबारे। यहाँ पे हमारा रोड बंद है, गर्भ्यम गाँव नीचे। थोड़ा सा साफ करना है बस, थोड़ा सा। देखते हैं अब भैया बाइक पास हो पाती है कि नहीं। हो जाएगी 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 हो जाएगी। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। ये इतना पार फिर से धूल, भाई लोग घर में मिलते नहीं मिलते। काम ही काम चल रहा है यहाँ, रोड रोड चौड़ा हो रहा है बहुत। तो नहीं आएगा शायद, आना भी नहीं चाहिए। तो गाइस हम गर्भ्यम पहुंच चुके हैं। गर्भ्यम मेन गांव से रोड नहीं जाता, नीचे नीचे से जाता है, जैसे बुद्धि की तरह। बुद्धि में भी मेन गांव से नहीं जाता, नीचे नीचे से जाता है। तो अभी हमारे विमल भाई का दुकान आने वाला है गर्भ्यम में। ओ तेरी की क्या हो गया, ये जाम हो गवा। यहाँ कितने ट्रक आ रहे हैं, जब आएगा गिरेगा ये ट्रक। नो 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 नो, पीछे आना पड़ेगा भाई, पीछे आना पड़ेगा। ओ उस्ताद, हेलो हेलो
नीचे लाना है, वो नहीं जा रहा है। अरे ये लो आगे पीछे कर लो यार, किसका है ये? हमारी पहाड़ों की शान। हम विमल भाई की दुकान में अब चाय पी के जाएंगे। ओ बड़े भाई, हाँ आप कहाँ से आ रहे हो? अच्छा प्रणाम, बढ़िया। आरव की जा रहे हो? आरव की जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। अच्छा, मैं तो अब भी आया, बाइक लेके आया था। बाइक लेके आया था। तो गर्मियों में बारिश आने टाइप का हो रहा है, मौसम मौसम खराब हो गया। यहाँ से निकलते हैं। चंगा प्रणाम, चंगा प्रणाम, जाता हूँ। बारिश आने टाइप का हो रहा है। अच्छा आप नीचे जा रहे हो ना, ठीक है। ये है मेरा बाइक जो बहुत ही धूल मिट्टी हो गया। ग्रिप की गति, अब निकलते हैं गरबंग से। मैं थोड़ा गरबंग में घूमूंगा सोच रहा था, गरबंग में थोड़ा घूमूंगा सोच रहा था, लेकिन मौसम बारिश तेज आ जाएगा तो फिर थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए निकलता हूँ मैं भी यहाँ से। आओ फिर, यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है, ये भी पास दिखाना होगा। लोकल सर, गुंजी का लोकल, गुंजी का हाँ, एंट्री करना पड़ेगा। तो भाई लोगों, गरबंग में एंट्री होने के बाद गरबंग से निकल ले। जो आगे आपको गांव दिख रहा है ना, वो छांगरू गांव, वो नेपाल में आता है। अभी फिर वो गांव वाले भी, उनका ट्रैक भी यहीं से है, वो SDM से पास आस बना के आते हैं उन लोग, छांगरू विलेज वाले। और ये है अपने गरबंग का छिंदू। अभी घर में घूमूंगा सोचा, मौसम इतना ख़राब है कि यार अब कल परसों ही आऊँगा घूमने। तो फाइनली मैं पलचू, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है गुंजी। 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेगा बाइक में। ये है नपलचो गुंजी ब्रिज। अब हम गुंजी में इंटर कर चुके हैं, गुंजी में इंटर कर चुके हैं हम। तो भाई लोगों, पहुंच गए मनीला। ये है अपने वीरू चामी बाबू, मुझसे काफी अच्छा बना रखा है। गुरजी
यहाँ पे भाई लोग मैच खेल रहे, पहचान भी नहीं रहे मुझे। हेलमेट खोलना पड़ेगा शायद। गांव पहुँचते हैं, यहाँ भाई लोग क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे। चलते हैं पहले घर, घर तो पहुंच के आते, घर नहीं पहुंच के पहले यहाँ पे रेस्ट टेस्ट कर लिया। पहले घर पहुंचते हैं, घर वालों से मिलते हैं, फिर उसके बाद वॉलीबॉल खेलने जाएंगे शाम को। पहुंचते हैं, अभी ऊपर आता हूँ। सो गाइस, लेला लेला। मैं गुंजी पहुंच चुका हूँ अपने गांव। मौसम काफ़ी ठंडा है यहाँ, बहुत ही भयंकर है मौसम। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया शायद। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा मोटो ब्लॉग, पहला मोटो ब्लॉग चले थे। अब देखते क्या होता है, ब्लॉग कैसा बनता है कैसा नहीं बनता।